खबर सुल्तानपुर जयसिंहपुर से है। रूपिनपुर निवासी समाज सेवी प्रबंधक रामबरन महाविद्यालय विभारपुर जयसिंहपुर सुल्तानपुर अजय सिंह कुमार ने अपने गोद लिए परिषदीय कम अपोजिट विद्यालय रूपिनपुर में पहुंचकर प्रधान अध्यापिका संगीता तिवारी को विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए 11,000 की नगद सहायता राशि और इसके अतिरिक्त प्रतिमाह विद्यालय के छोटे मोटे खर्चे के लिए 1,000 रुपये प्रदान किए जाते रहेंगे। सिंह ने प्रधान अध्यापिका संगीता तिवारी से विद्यालय के बाउंड्री वॉल की पुताई और गेट निर्माण का कार्य तत्काल प्रारंभ कराने के लिए अनुरोध किया। प्रधान अध्यापिका तिवारी ने इस पुनीत कार्य के लिए समाज सेवी प्रबंधक अजय कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर देवेंद्र प्रताप सिंह, विद्यालय के शिक्षक अरविंद मिश्रा, धीरज गुप्ता और शिक्षा मित्र राम सुरेंद्र यादव, राम यादव छोटू, मोहित दिनेश वर्मा आदि उपस्थित रहे। मैं हमेशा विद्यालय की नियमित देखरेख और मदद भी करूंगा और साथ ही साथ प्रधानाध्यापिका महोदया, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि प्रतिमाह जो है आप 1,000 रुपये और अतिरिक्त मुझसे लिया करें, जिससे छोटे मोटे कार्य इस विद्यालय के हो सकें। और गांव के भी, मैं स्थानीय संभ्रांत लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो इस लायक हों समाज में, वो समाज की बेहतरी के लिए, विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए, जो ऊंची ऊंची नौकरियों पर भी हों और इस लायक हों, क्योंकि पानी की छोटी छोटी बूंदों से एक प्रबल महासागर का निर्माण होता है और बालू के छोटे छोटे कणों से एक सुहावनी पृथ्वी बनती है। अगर इसी गांव की एक ऐतिहासिक परंपरा रही है, इसी गांव के तमाम लोग आज भारत सरकार में, प्रदेश सरकार में उच्च पदों पर भी आसीन हैं, अगर वो अपने गांव की तरफ उन्मुख होकर देखें तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि गांव का विकास होगा और हमारे प्राथमिक पाठशाला रूपिनपुर जो परिषदीय विद्यालय है, ये निश्चित रूप से जिले में ही नहीं प्रदेश में भी अपना नाम रोशन करेगा। मैं विद्यालय आने पर यहाँ की प्रधानाध्यापिका महोदया, यहाँ पर सभी शिक्षक बंधुओं के प्रति और हमारे गांव के संभ्रांत नागरिक अपने अग्रज श्री योगेंद्र प्रताप सिंह भैया के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस विद्यालय के उच्चीकरण के लिए तन मन धन से सर्वथा और प्रतिपल अपने को अर्पित करता हूँ। जय तुहारतम, नमस्कार।